दोस्तों, आज कुछ नया लिखा है। ईश्वर, भगवान, खुदा, इस पर कुछ लिखा गया है। आप बताइएगा कि क्या गढ़ा गया है। कविता का शीर्षक है ईश्वर की आजादी। सोच रहा हूं घर तुम्हें शब्दों के दायरे से, सोच रहा हूं घर तुम्हें शब्दों के दायरे से निकाल दूं तो क्या हो। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ में घर शब्द ना रहे तो क्या रहे। मंदिर में मूर्ति, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की गुरबाणी, गिरजे का गान में घर शब्द ना रहें तो क्या बची। तुम शब्दों से बंधे हो या शब्दों से गढ़े हो, तुम शब्दों से बंधे हो या शब्दों से गढ़े हो पता नहीं, पर शब्द तुम्हें जो दे रहे हैं उससे तकलीफ तो तुम्हें भी हो रही होगी। मैं ये महसूस करता हूँ और इस मुश्किल का तुम्हें यही हल देता हूँ कि छीन लो इंसानों से शब्द रचना की विधा, कि छीन लो इंसानों से शब्द रचना की विधा। जब शब्द गढ़ ना पाएंगे तो धर्म में फर्क कर ना पाएंगे। शायद इंसान तब तुम्हें अनुभव कर पाए, चार दीवारियों से, चंद किताबों से तुम्हें निकाल पाए, मिल पाए तुमसे प्रकृति के हर प्रमाण पर, मिल पाए तुमसे प्रकृति के हर प्रमाण पर। झगड़ा ना रहे फिर अल्लाह या राम पर, खाली किताबों में भी तुम्हें महसूस कर लिया जाए, खाली किताबों में भी तुम्हें महसूस कर लिया जाए। तेरी मूरत को हर सूरत में देख लिया जाए, शायद मौनता में ही तुम्हारा वास हो, शायद मौनता में ही तुम्हारा वास हो। शब्दों के विघटन पर ही शायद शांति का विकास हो, शब्दों के विघटन पर ही शायद शांति का विकास हो। हे ईश्वर, तुम जो भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, हे ईश्वर तुम जो भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम्हें बांधते हुए शब्दों का मैं तिरस्कार करता हूँ। आजाद उन्मुक्त तुम रहो बिन शब्दों का आडंबर ओढ़े, आजाद उन्मुक्त तुम रहो बिन शब्दों का आडंबर ओढ़े। मैं निशब्द बाबस्ता रहूं तुमसे बिना किसी पूर्वाग्रहों को जोड़े, मैं निशब्द बाबस्ता रहूं तुमसे बिना किसी पूर्वाग्रहों को जोड़े। धन्यवाद।